नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रवि चपटे और आज हम देखेंगे विशेषण में सार्वनामिक विशेषण के भेद। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे गुलाब का फूल सुंदर है, वहां बहुत भीड़ थी, हम तीन भाई हैं, मुझे थोड़ा पानी दे दो, कौवा काला होता है। इन वाक्यों में सुंदर, बहुत, तीन, थोड़ा, काला ये विशेषण है। विशेषण के आठ भेद है, उसमें गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, तुलनाबोधक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के छह भेद हैं, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आते हैं तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़की बुद्धिमान है, कोई घर पर नहीं था, अब किस रास्ते जाना है, तुम्हारा घर आ गया, जैसा घर है वैसा कमरा है। इन वाक्यों में यह, कोई, किस, तुम्हारा, जैसा यह सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण के भेद। सार्वनामिक विशेषण का पहला भेद है संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। जब यह, वह, इस, उस आदि शब्द संज्ञा के शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण को ही निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे यह लड़का विद्वान है, वह मकान सुंदर है, उस पेन को यहाँ रखो। इन वाक्यों में यह, वह, उस, यह शब्द संज्ञा के शब्दों की विशेषता बताते हैं, इसीलिए ये संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जब कोई, कुछ आदि शब्द अनिश्चयवाचक के रूप में आते हैं उसे अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई बाहर खड़ा था, घर में खाने के लिए कुछ आम है, कोई तुम्हें बुला रहा है। इन वाक्यों में कोई, कुछ ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण का तीसरा भेद है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। जब कौन, क्या, कैसे, किस आदि शब्दों के रूप में आते हैं उसे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, बाहर कौन खड़ा है, तुम किस रास्ते से जाओगे। इन वाक्यों में क्या, कौन, किस यह प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण का चौथा भेद है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जब मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका आदि शब्द के रूप में
सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उसे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा दोस्त घर आया था, तेरा नाम श्याम है, हमारा मित्र खो गया। इन वाक्यों में मेरा, तेरा, हमारा यह सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं, इसीलिए ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण का पांचवा भेद है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द अपने मूल रूप में बिना किसी रूपांतर के संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का शांत है, वह गांव दूर था, उसे कुछ काम था। इन वाक्यों में यह, वह, कुछ, यह शब्द मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण का छठवां भेद है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, सर्वनाम का रूपांतरित रूप संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा पुत्र हो जो मेरा नाम रोशन करे, जैसा घर है वैसा कमरा है, यह कैसा देश है। इन वाक्यों में ऐसा, जैसा, कैसा, यह यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। अगले वीडियो में हम तुलना बोधक विशेषण की तीन अवस्थाएं देखेंगे। धन्यवाद।